हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। पिछले 24 घंटे के अंदर बिटकॉइन की प्राइस 41,000 से गिर के पहुंची 35,411 यूएस डॉलर के ऊपर। क्या रीज़न है इसके प्राइस के गिरने का और बिटकॉइन का अगला मूव क्या होगा, उसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों। यहां पे कार्डानो बन चुका है क्रिप्टो मार्केट का मोस्ट डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन नेटवर्क, और सुशी श्वेप ने दोस्तों रिलीज कर दिया है अपना 2021 का रोड मैप। यहाँ पर क्या क्या आपको नए नए अचीवमेंट देखने को मिलेंगे इस साल, उसके बारे में बात करेंगे। और XRP होल्डर्स को एयर ड्रॉप करने के बाद फ्लेयर नेटवर्क ने अनाउंस कर दिया है अपना अगला एयर ड्रॉप जो होगा यहाँ पे लाइटकॉइन होल्डर्स के लिए। तो क्या कुछ आपको करना है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इन सब टॉपिक बात करने वाले हम आज के इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ मोनीश कुमार और आप देख रहे हैं कॉइन ज्ञान। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक नज़र कॉइन मार्केट के ऊपर। यहाँ पे BTC की डोमिनेंस में हमें गिरावट देखने को मिली है, पहुँच चुका है 67.8% पे। इथेरियम की चल रही है 13.1% पे, और इस समय दोस्तों बिटकॉइन की प्राइस चल रही है 35,672 यूएस डॉलर। इथेरियम की प्राइस चल रही है 1121 यूएस डॉलर। और जैसे कि दोस्तों आप सभी ने अभी नोटिस कर लिया होगा कि यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के ऊपर हमें पूरा ब्लड बाथ देखने को मिला है, और यहाँ पे जो कॉइन्स है, जो टोकन्स है, यहाँ पे 20-30% तक यहाँ पे डिप हुए हैं। तो यहाँ पे अगेन अगर हम XRP की बात करते हैं तो ये आ चुका है 0.28 पे। कल तक ये चल रहा था 0.32 और 33 के आसपास। लाइटकॉइन जो कि 160 प्लस के ऊपर था, अब आ चुका है 147 के ऊपर। कार्डानो ने भी 0.3 के मार्क क्रॉस किया था, अगेन ये आ चुका है 0.27। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सारे टोकन, सारे कॉइन के ऊपर इसका असर पड़ा है। ऑब्वियसली बात है, जब बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर दोस्तों यहाँ पे हम इतना ज़्यादा डिप देखने को मिला है, 5% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है, तो ऑब्वियसली बात है बाकी ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर भी उसका असर देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे सिर्फ बिटकॉइन की, तो यहाँ पे आप देखेंगे 24 घंटे पहले यहाँ पे इसकी प्राइस थी दोस्तों 41,223, और 24 घंटे के अंदर हम देखते हैं यहाँ पे जो लो प्राइस है इसकी वो गई यहाँ पे 33,915 यूएस डॉलर। हालांकि ये जो प्राइस होगी ये इंडियन टाइम्स के हिसाब से अर्ली मॉर्निंग की हो सकती है, 3 से 5 बजे के बीच में या 3 से 7 बजे के बीच में, लेकिन उसके बाद इसने आपको थोड़ा बहुत रिकवर किया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी इसकी प्राइस चल रही है 35,411। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोग का अलग अलग मानना है कि यहाँ पे इसकी प्राइस हमें गिरावट देखने को क्यों मिली है, तो यहाँ पे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न दोस्तों यहाँ पे ये हो सकता है कि यूके के टॉप बैंक्स ने बिटकॉइंस को बैन कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे यूके के HSBC बैंक की, तो वहाँ के इस बैंक ने बोला है कि वो यहाँ पे बिटकॉइनर को कैश आउट नहीं करने देगा। जो भी उन्होंने यहाँ पे गेन किया, जो भी उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है, उसके अलावा वहाँ के कुछ लीडिंग बैंक्स ने बोल दिया है कि वो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिन्होंने भी यहाँ पे क्रिप्टोकरेंसी के अंदर परचेज की है। तो ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न दोस्तों ये हो सकता है कि US में जिस तरह के हालात है, वहाँ की प्रेसिडेंसी को लेकर उसका असर भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और अगर हम तीसरे रीज़न की बात करें, तो यहाँ पे जो क्रिप्टो एनालिस्ट है उन्हें लगता है कि जो बिटकॉइन की जो डेरिवेटिव मार्केट थी वो काफ़ी ज़्यादा ओवरहीटेड हो चुकी थी, और उसके बाद यहाँ पे कुछ नए अपकमिंग वीकली कैंडल्स बनने वाले, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे इसके प्राइस में 5% का डिप देखने को मिला है। वहीं दोस्तों अगर आपने नोटिस किया होगा, जो बिटकॉइन की जो प्राइस थी वो पिछले वीकेंड के अंदर 38,800 से लेके 41,000 के बीच में घूम रही थी, और यहाँ पे नहीं लगता है कि वीकेंड की वजह से यहाँ पे जो वॉल्यूम था काफ़ी लो हो गया था, और यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है BTC की डिक्लाइनिंग की वो इसी की वजह से देखने को मिली है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि क्या यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी या फिर बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से नीचे जाएगी। तो दोस्तों, उसको समझने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ उस चार्ट के ऊपर जिससे हमने शेयर किया था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस समय जो बिटकॉइन की प्राइस है, जैसे कि हमने अभी देखा था 35,000 के आसपास है, तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास दो सिनेरियो बनते हैं। पहला ये है कि जो बिटकॉइन है वापस से रीटेस्ट करेगा 38,000 से लेके 41,000 के मार्क को, और वहाँ से वो अगेन पुल बैक करने की कोशिश कर सकता है। और जो दूसरा सिनेरियो है वो ये है कि यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस दोस्तों फिर से सर्च करेगी 41,000 के आसपास, और वहाँ से दोस्तों वो अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे स्क्रीन के ऊपर 43,639 तक जा सकती है अगर वो यहाँ पे 41,100 के मार्क को क्रॉस करता है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो ये दोस्तों 36,000 से वापस नीचे आ सकता है, और इस बार अगर वो नीचे आता है तो यहाँ पे दोस्तों हम उसे 27,000 से 30,000 के बीच में देख सकते हैं। तो ये वो दो सिनेरियो हैं जो हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिटकॉइन की तरफ से। अब आप मुझे कॉमेंट के बताएं दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी या फिर नीचे आएगी। लेकिन दोस्तों आप हमेशा एक बात का ध्यान रखें, कभी भी आप प्राइस जब पंप होती है या फिर मार्केट बुल रन पे चल रहा होता, अपने पीक पे चल रहा होता, तो आप अपने प्रॉफिट को बुक करना ना भूले। जब भी मार्केट आपको लगता है कि काफ़ी पंप हो रहा है और आप उस समय अपने प्रॉफिट को बुक नहीं करते हैं, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमेशा अपने प्रॉफिट को बुक करते हुए चलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बेसिकली हम सभी, चाहे वो क्रिप्टो ट्रेडिंग हो, चाहे वो स्टॉक ट्रेडिंग हो, चाहे वो कोई सा बिजनेस हो, हम कोई भी चीज़ करते हैं प्रॉफिट के लिए। अगर आप उस समय प्रॉफिट को बुक नहीं करते हैं तो आपको दोस्तों काफ़ी रिग्रेट होता है। तो इसलिए ध्यान रहे, हमेशा अपने प्रॉफिट को
बुक जरूर करें। चलते दोस्तों हमारे अगले अपडेट की तरफ जो कि आ रही है यहाँ पे कार्डानो की तरफ से। तो दोस्तों यहाँ पे कार्डानो को बताया गया है कि वो क्रिप्टो मार्केट का बन चुका है मोस्ट डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन नेटवर्क। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे इस समय 69% ऑफ इट्स टोटल सगुलन सप्लाई, मतलब कार्डानो की जो सगुलन सप्लाई का 69% है वो इस समय स्टेक हो चुका है। और कार्डानो ने दोस्तों यहाँ पे क्रॉस कर दिया है पोलका डॉट को जो कि पहले था मोस्ट डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क, लेकिन अब यहाँ पे 21.75 बिलियन कार्डानो स्टेक हो चुके हैं कार्डानो के नेटवर्क के ऊपर, जिसकी वजह से दोस्तों कार्डानो बन चुका है नंबर वन। अगर आप जाएंगे यहाँ पे stakingrewards.com के ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे जो कार्डानो है इसने पोलकाडॉट को भी छोड़ते हुए नंबर वन की पोजीशन को ले लिया है। यहाँ पे 69.53% इस समय स्टेक्ड है। इससे पहले यहाँ पे पोलकाडॉट था जहाँ पे 60.81 इसके जो टोकन थे इसके ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर स्टेक हुआ करते थे। और जैसा कि दोस्तों मैंने कई बार बोला है पहले की काफ़ी वीडियोस के अंदर ही मैंने बात की कार्डानो के ऊपर कि ये दोस्तों एक ऐसा टोकन है, एक ऐसा कॉइन है जो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अगर मैं अपने फेवरेट ऑल कॉइन की लिस्ट बनाऊं और उसमें कार्डानो ना शामिल हो तो वो लिस्ट पूरी हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि हम सबको पता है जो कार्डानो है वो एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जिसे IOHK ने क्रिएट किया है। और यहाँ पर दोस्तों इसका इस्तेमाल होगा हर एक चीज़ के लिए, चाहे वो DApps हो, चाहे वो डिजिटल आइडेंटिटी हो, चाहे वो ब्लॉकचेन वोटिंग हो, ये सब दोस्तों आप यहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हैं। या फिर एनुअल टैंक के अंदर जो क्लाइंट्स होंगे, जो यूज़र्स होंगे, कस्टमर्स होंगे, वो उन सभी चीज़ों को यूज़ भी कर सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों इसके करंट प्राइस की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस समय इसकी प्राइस चल रही है 0.27 और 24 घंटे पहले दोस्तों इसकी प्राइस यहाँ पे 0.34 और यहाँ पे दोस्तों हमें अच्छा खासा डिप देखने को मिला है और यहाँ पे इसकी प्राइस चली गई 0.26 तक। तो जैसा कि दोस्तों अगर आपको पता होगा कि मैंने कार्डानो के प्राइस के बारे में बात करना तब से स्टार्ट किया था जब इसकी प्राइस 0.07 और 0.08 के आसपास थी, तब से मैं आपसे कह रहा हूँ कि कार्डानो एक ऐसा कॉइन है जो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देगा और 2021 दोस्तों इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा गेन देखने को मिल सकता है। बहुत सारे इनके अपडेट्स लाइनअप में हैं, बहुत सारे यहाँ पे इनके लॉन्च होने वाले हैं 2021 के अंदर। और यहाँ पे दोस्तों इनके फाउंडर चार्ल्स हॉस्किंसन ने बोला है कि उनका पूरा प्लान है कि 2021 के अंदर कार्डानो को पूरी तरीके से यहाँ पे लॉन्च कर दिया जाएगा। और एक बार दोस्तों यहाँ पे कार्डानो पूरी तरीके से लॉन्च हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि इसके प्राइस में कितना ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो इन सब डेवलपमेंट को देखते हुए दोस्तों मुझे लगता है कि आपको इसे कंसिडर करना चाहिए अपने अगले इन्वेस्टमेंट के लिए। अब आप मुझे कमेंट के बताएं दोस्तों आपको क्या लगता है कार्डानो के बारे में, क्या आपको लगता है कि 2021 इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है या नहीं होने वाला है। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले अपडेट की तरफ जो कि आ रही है यहाँ पे सुशी स्वैप की तरफ से। तो यहाँ पे दोस्तों सुशी स्वैप ने अपने 2021 के रोड मैप को अनाउंस कर दिया है। जैसा कि दोस्तों हमें पता है कि 2020 काफ़ी अप एंड डाउन रहा सुशी स्वैप के लिए और ये दोस्तों बन चुका था लार्जेस्ट डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हुई, काफ़ी सारे बातें हुई। पहला तो ये था कि इसकी जो प्राइस है दोस्तों $1 से $10 चली गई थी और रातों रात दोस्तों ये स्टार हो गया था। और उसके बाद यहाँ पे जो हुआ काफ़ी बुरा हुआ था जब इसके मेन डेवलपर ने यहाँ पे एग्जिट स्कैम कर लिया था, सारे इथेरियम को विड्रॉ कर लिया था। उसके बाद इसके अंदर बाइनेंस को भी घसीटा गया, लेकिन उसके बाद चीज़ें थोड़ी बदली और डेवलपर वापस आया, उसने इथेरियम रिटर्न किए और फिर से अपना नाम बनाने की कोशिश की। हालांकि वो सारी बातें अब जा चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पे इसकी प्राइस $1 से नीचे गई और अगेन दोस्तों यहाँ पे इसकी प्राइस में अच्छा खासा पंप देखने को मिला जब चीज़ें यहाँ पे थोड़ी बहुत सुधरनी स्टार्ट हुई। अब यहाँ पे दोस्तों इन्होंने जो नया रोड मैप लेके आए हैं ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इंक्लूड करेंगे एक क्रॉस चेन डेक्स जो कि एनेबल करेगा रन एंड मून बीम, जो कि दोस्तों इंप्लीमेंट करेगा पोलका डॉट चेन के साथ, जो कि फुली डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस स्ट्रक्चर होगा और ये दोस्तों होगा 2021 के एंड तक। तो ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट और बड़ा अपडेट हो सकता है सुशी स्वैप के लिए। उसके अलावा यहाँ पे सुशी स्वैप ने बोला है कि वो यहाँ पे एक नए डोमेन के ऊपर मूव कर जाएंगे 2021 के अंदर, लेकिन उसके बारे में अभी तक बताया नहीं कि जो नया डोमेन होगा उसका नाम वो क्या रखने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ अदर इंटीग्रेशन भी होने वाले हैं जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेबल कॉइन FRAX के साथ, DSD के साथ और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे बाओ के साथ। इसके अलावा ये कहते हैं कि जो इनकी लिस्ट है काफ़ी लंबी है और ये जो प्रोजेक्ट है सिर्फ 6 महीने पुराना है। तो इसके अलावा यहाँ पे सुशी स्वैप के जो कोर कंट्रीब्यूटर हैं जिन्हें 0xMaki के नाम से जाना जाता है, वो कहते हैं कि हम यहाँ पे अपने लोगों को इंसेंटिवाइज करके रखना चाहते हैं कि जो डेवलपर्स हैं उन्हें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड दिए जाए ताकि वो यहाँ पे जो चाहे वो बना सकते हैं। उसके अलावा वो चाहते हैं कि यहाँ पे नए लोगों को डीफाई से इंट्रोड्यूस किया जाए, नए फिनेंशियल प्रिमिटिव्स के बारे में बताया जाए और उन्हें ये दिखाया जाए कि जो DApps है सुशी के ऊपर वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बेसिकली वो यहाँ पे सभी के लिए काम करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो 2021 हो वो सभी के लिए विनर साबित हो। अब आप मुझे कमेंट कर बताएं दोस्तों आपको क्या लगता है सुशी स्वैप के इस नए रोड मैप के बाद क्या हमें इसके प्राइस पे इंपैक्ट देखने को मिलेगा, क्या यहाँ पे जो यूज़र्स होंगे
वो दूसरे डेक जैसे कि यूनिस्वैप है, वन इंच है, उनसे हटके इनके प्लेटफॉर्म को यूज करने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे, आप अपनी डेक कमेंट में जरूर दें। चलते दोस्तों हमारे आज के आखिरी अपडेट की तरफ जो कि आ रही है यहाँ पे लाइट कॉइन की तरफ से। तो यहाँ पे दोस्तों फ्लेयर नेटवर्क ने बोला है कि XRP होल्डर्स को जिस तरह से उन लोगों ने एयर ड्रॉप किया था, अब वो यहाँ पे लाइट कॉइन होल्डर्स को भी एयर ड्रॉप करने जा रहे हैं। और इसके लिए दोस्तों उन्होंने यहाँ पे लाइट कॉइन के साथ इंटीग्रेशन किया है, वो भी फ्लेयर नेटवर्क के लॉन्च होने से पहले, जो कि लॉन्च होने वाला है Q2 के अंदर। साथ में दोस्तों वो कहते हैं कि इस इंटीग्रेशन के बाद से LTC को आप यूज कर पाएंगे फ्लेयर ब्लॉकचेन के ऊपर, वो भी इथेरियम के स्टाइल में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू। और साथ में दोस्तों यहाँ पे LTC को मिलता है इंटरऑपरेबिलिटी और कंपैटिबिलिटी का भी फीचर। तो ये दोस्तों थोड़ी सी टेक्निकल बातें हो जाती हैं। अगर आपको यहाँ पे सिर्फ एयरड्रॉप से मतलब है तो बहुत सिंपल सी भाषा में दोस्तों ये है कि ये यहाँ पे 5 बिलियन FLR डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे LTC पार्टिसिपेंट्स को, जिसके बाद उन्होंने इसे रिड्यूस कर दिया है 4.5 बिलियन FLR टोकन के अंदर। और यहाँ पे कहते हैं कि उन्होंने इस टोकन को जानबूझकर रिड्यूस किया ताकि जितने भी LTC पार्टिसिपेंट्स हैं उनको यहाँ पे बराबर बराबर का मौका दिया जाएगा। साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि जो पूरी डिटेल है वो यहाँ पे अगले हफ्ते तक आ जाएगी। तो यहाँ पे अभी तक ये नहीं बताया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस रेशियो में होगा। जैसे कि हमने देखा था XRP के समय उन्होंने बताया था कि 1:1 रेशियो में होगा, लेकिन LTC के केस में ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसके लिए हमें वेट करना होगा अगले हफ्ते इनके अनाउंसमेंट का। लेकिन दोस्तों क्या आपको इस समय LTC को बाय करना चाहिए? डेफिनेटली दोस्तों आपको इसे बाय करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जाकर देखेंगे इस समय LTC की प्राइस तो ये चल रही है $143, जबकि दोस्तों यहाँ पर आप 2 से 3 दिन पहले की बात करेंगे तो यहाँ पे इसकी प्राइस थी 160 और 180 के बीच में। तो अगेन यहाँ पे 20.6% का आपको डिप मिल रहा है। और यहाँ पर अगर आप इसे एक्यूमुलेट करते हैं, मान लेते हैं कि आप यहाँ पे 1 बिल लेके रखते हैं, तो भी आपको काफ़ी चीप प्राइस मिल जाएगा। हालांकि XRP की बात दूसरी थी, वहाँ पे प्राइस बहुत कम थी, तो लोगों ने वहाँ पे 1000 से लेके 10000 और 50000 1-1 लाख XRP बाय करके रखे थे, सिर्फ इसीलिए ताकि उन्हें यहाँ पे स्पार्क टोकन मिल जाए। जिसकी वजह से दोस्तों XRP के प्राइस में हमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला था, वो भी तब जब स्पार्क टोकन का एयर ड्रॉप का जो टाइम था वो नज़दीक आ गया था। एक समय दोस्तों XRP की प्राइस चली गई 0.7 तक। तो मुझे लगता है कि जैसे ही यहाँ पे अनाउंसमेंट आएगी लाइट कॉइन की डिस्ट्रीब्यूशन की डेट की, तो यहाँ पे अगेन हम लाइट कॉइन के प्राइस में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली आपको इस समय यहाँ पे लाइट कॉइन को बाय करना चाहिए अगर आप प्लान कर रहे हैं स्पार्क टोकन के एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो दोस्तों ये थे कुछ अपडेट्स आज के इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी आपके पास कुछ सवाल है, सुझाव है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।